सब्सक्राइब कीजिए रॉयल गुरुजी चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकॉन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं बाय करने वाला हूं अपनी रीन्यू डोमेन को, मतलब जो मेरी अपनी वैली वेबसाइट की डोमेन है मैं उसको दोबारा से रीन्यू करने वाला हूं। मैं आप इस वीडियो को ये बताऊंगा अगर आपकी डोमेन भी अगर एक्सपायर हो जाती है आपने उसको किस तरह से रीन्यू करना है। दोस्तों काफ़ी सिंपल सा तरीका और काफ़ी आसान सा प्रोसेस जिनके जरिए आप अपनी डोमेन को रीन्यू करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ओपन करना है और उसमें आपने जो आपके पास मेल आए होंगे उनको आपने ओपन करना है। जैसा कि ये मेरे पास सबसे पहला ये मेल आया था जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपकी जो डोमेन है वो एक्सपायर होगी, आप उसको रीन्यू करवा लें। तो मैंने उस दिन कुछ दिन नहीं करवाया था क्योंकि मैं चाहता था कि यार मेरे पास टाइम भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे मेरे पास कि मैं इसको रीन्यू करवा सकूँ। फिर ये देखिए कि मेरा ऑटो रीन्यूअल मेरा ही ये उन्होंने लिखा हुआ है और ये सारा कुछ मतलब डिटेल वगैरह उन्होंने फिल कर रखी है इसमें। और उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा दिखा दूँ तो उन्होंने मैंने उस दिन नहीं करवाई और मुझे उससे अगर उसी दिन मैं करवा लेता तो मुझे क्या करना था कि 2249 रुपये मुझे जमा करवाने थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट थी और फिर मेरे पास थी भी नहीं। तो कुछ दिन के बाद 2-3 दिन जब गुजरे तो मुझे एक और मेल आ गई उन्हीं की जाना से जिसमें उन्होंने कहा अगर आप भाई साहब अपनी डोमेन परचेज़ करें हम आपको 25% उसमें से ऑफ़ कर देते हैं। चलो अगर आप हमारा ये वाला प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो हम आपको 25% ऑफ़ कर देंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा चलो अभी मैं इसको बाय कर ही लेता हूँ। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि अपना जो अकाउंट है उसमें ओपन करता हूँ और डोमेन को रीन्यू कर लेता हूँ अपने अकाउंट में से। और मैंने जो रीन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ तो अगर आप अपना अकाउंट डोमेन जिस तरह भी आपने क्रिएट की हुई होती है उस पर अगर आ जाते हैं तो उसमें आपको रीन्यू करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। तो ये मैं प्रोमो कोड पर अलहदा से ओपन कर लेता हूँ। तो हाँ ये साइन इन करके मांग रहा है तो यहाँ पर मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया, अपने रीन्यू सारा कुछ लगा दिया, अपने अपने डोमेन लगा वगैरह में सारा कुछ अपने गुड डैडी के अकाउंट में आप लगा सकते हैं। ये डोमेन है ये गुड डैडी की ही है। तो ये दोबारा जी देखिए रीन्यूअल का ऑप्शन मेरे पास आ गया, एक्सपायर रीन्यूअल यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपने यहाँ से अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है जो कि मेरे अपने नाम से mohammadtashmi.com के नाम से और मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। यहाँ पर आने के बाद ये देखिए कि मेरे पास ये वाला पेड डोर हो गया और यहाँ पर ये उन्होंने लिखा एड, मैं यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड ऐड करता हूँ एड पेमेंट मेथड और यहाँ पर ये मैं अपना यहाँ पर वीज़ा कार्ड है उसकी सारी की सारी डिटेल फिल करूँगा जो कि आपका जो डिटेल होगी आपने उसको भी फिल कर लेना है यहाँ पर। तो जब तक मैं इसके फिल करता हूँ तो उस तक मैं इसको तो आपको थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप कर लेता हूँ और स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपनी पेमेंट जो होते हैं उसको कर लेता हूँ। ये देख हो गया है या मेरे पास ये सारा कुछ आ गया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी ये मेल भी आ जाएगी इनकी जिसमें वो मुझे ये बता देंगे। ये देखिए गो डैडी की मेरे पास मेल भी आ गई है और इसमें उन्होंने मेरा ऑर्डर जो है थैंक यू ऑर्डर कंप्लीट नाम मोहम्मद काशिम मकसूद योर ऑर्डर नंबर, ये मेरा ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट नंबर है और ये मैंने मतलब डोमेन रीन्यू करवा ली है। बहुत आसानी से इसी तरह आपने उसको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपके पास यही आएगा और आपकी जो डोमेन होगी वो रीन्यू हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस तरह से अपने डोमेन को रीन्यू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।